वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा वर्ष 2021-22 की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के पहले चरण यानी टर्म 1 परीक्षाओं के लिए डेटशीट आज जारी की जाएगी। बोर्ड ने हाल ही में 14 अक्टूबर 2021 को एक सर्कुलर जारी करते हुए घोषणा की कि दोनों ही कक्षाओं के लिए नवंबर दिसंबर 2021 के दौरान आयोजित की जाने वाली टर्म 1 परीक्षाओं के लिए डेटशीट स्टूडेंट्स 18 अक्टूबर 2021 से डाउनलोड कर पाएंगे। छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि वे CBSE टर्म 1 डेटशीट 2022 को वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर एक्टिव किए जाने वाले लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। सिर्फ मुख्य विषयों की परीक्षाओं के लिए जारी होगी डेटशीट। CBSE द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार बोर्ड द्वारा कक्षा 12 में 114 विषय और 75 विषय संचालित किए जाते हैं। इन विषयों के लिए परीक्षाओं के लिए आवश्यक 40-45 दिनों की अवधि को करने के उद्देश्य से बोर्ड ने विषयों को मेजर और माइनर कैटेगरी में विभाजित किया है। मेजर सब्जेक्ट बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में ऑफर होते हैं और माइनर सब्जेक्ट सिर्फ कुछ ही स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। ऐसे में बोर्ड सभी स्कूलों में संचालित मेजर सब्जेक्ट के लिए डेटशीट जारी करने की घोषणा की है, जबकि माइनर सब्जेक्ट के लिए बोर्ड द्वारा एक ही दिन स्कूलों के समूह से चर्चा के बाद आयोजित की जाएगी। वहीं मेजर सब्जेक्ट के लिए CBSE टर्म 1 एग्जाम 2021-22 का आयोजन आज जारी होने वाली डेटशीट के अनुसार किया जाएगा। पास्ट कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपीट का नहीं मिलेगा मौका। दूसरी तरफ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की टर्म 1 परीक्षाओं का आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार CBSE इस परीक्षा में पास कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में किसी भी छात्र या छात्रा का परीक्षाफल घोषित नहीं करेगा। फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़।